सर तोड़ करके आइए और वो पीएचडी का प्रभाव हृदय पटल पर उसने पूरी तरह से डाल दिया और मन ही मन बड़ी खुश होती है, बहुत मुस्कुराती है। और यहाँ आइए दरबार में कहने लगे, महाराजा क्या बात है, किसी को मुझे पुत्र नहीं दी, अपने रनिवास के अंदर आप गए ही नहीं, यहाँ पर बैठे हो, कल सवेरे तो राजतिलक होने वाला है, मैं सारी तैयारियां करवा रही हूँ। उनको क्या पता था कि मेरी कैमरे का गेट आ रहा है, यहाँ पर दिखाई मंत्र जो है वो मेरे माता ही हाथ लेकर के चली जाती है। महाराजा को वहां जाकर देखते हैं, महाराज के भाई ये क्या हो गया, अयोध्या में दरबार हाल के इस रनिवास के अंदर जहाँ महारानी भिकी रहती है वहां तो अंधकार छाया होगा, चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, अंदर बिल्कुल घर वो भवन बन गया, धुआं धुआं नजर आता है, कोई लाइट नहीं जल रही, बहुत हैरान होते हैं, उठाते हैं मंत्र को, कई को उठाते हैं, कई क्या हो गया बताओ, मैं तुम्हारे लिए सारी खुशियां अपनी लौटा दूंगा, जो तुम मांगोगे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये कैसा रूप निजाम बना लिया, तुम्हारे बाल बिखरे हुए, किसी अच्छे वैद्य को बुलाकर तुम्हारा उपचार करवाते हैं। मंत्रा बिल्कुल ना हूं करे ना हाँ करे, जब पति से औरत रूठती है तो फिर यही हालात होते हैं, ऐसे हालात के अंदर कभी कोई रूप बना लेना, कभी कोई, सारा दोष पति का ही हो जाना। एक आदमी ऑफिस में रोज जाता था, एक दिन लेट गया, उसके मैनेजर ने पूछा आज इतने लेट क्यों आए हो, कहने लगा यार ना पूछो घर में कहा सुनी हो गई, कहते कहा सुनी क्या हो गई, कहते सच्ची बात को कहा तो कुछ नहीं पर सुनी ही सुनी हो गई, वो बोलती कि मैं सुनता गया इसलिए मैं लेट हो गया। आदमी औरतों के सामने इतना विवश हो गया, बोलता भी कुछ नहीं, सुन लेता है सब कुछ, आज दशरथ जी भी सुनने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत देर तक विलाप होता रहा, बात होती रही, अपना दुख दशरथ व्यक्त करते रहे, सारी अयोध्या का सुख तुम्हारे ऊपर लौटा दूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं प्राण तक दे सकता हूँ, लेकिन मंत्र तुम्हें उदास नहीं देख सकता, उठो राम के राज तिलक की खुशियां मनाओ। मंत्र ने कहा महाराज खुशियां तो कौशल्या मनाएगी, सुमित्रा मनाएगी, मेरे लिए काय की खुशियां, मेरे जीवन का तो सूर्यास्त हो चुका है, मेरी सलाह के बगैर आपने मेरे बच्चों को ननिहाल भेज दिया, राम जी को राज तिलक देने का